हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टाइम टू स्टडी। गाइस, आज आए हैं हम अपने नए टॉपिक के साथ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शिक्षा। इससे पहली वीडियो में हमने शिक्षा का अर्थ डिस्कस किया था, जिसमें हमने शिक्षा के तीन अर्थ शाब्दिक, संकुचित और व्यापक अर्थ डिस्कस किए थे। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं शिक्षा के अंग। ये बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और ख़ासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने एजुकेशन सब्जेक्ट चूज़ किया है। तो गाइज, वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा के अंग, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शिक्षा के तीन महत्वपूर्ण अंग हैं। पहला है विद्यार्थी, दूसरा है शिक्षक और तीसरा है पाठ्यक्रम। सबसे पहले हम अपना शिक्षक, जो हमारे शिक्षा का अंग है, उसको देखते हैं। हमारे शिक्षा का पहला अंग है शिक्षक। शिक्षा की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण अंग है। संकुचित अर्थ में केवल विद्यालय में शिक्षा देने वाले को ही शिक्षक कहा जाता है, जबकि व्यापक अर्थ में जिससे भी आप शिक्षा प्राप्त करते हैं वह सभी आपके शिक्षक कहलाते हैं। शिक्षा प्राचीन काल से ही शिक्षा को प्रभावित करते शिक्षक प्राचीन काल से ही शिक्षा को प्रभावित करते आ रहे हैं। एक शिक्षक में बहुत से गुणों का होना ज़रूरी है। एक शिक्षक को चरित्रवान, विषय का ज्ञाता, प्रसन्नचित, धैर्यवान होना चाहिए। तो इसी से सब कुछ क्लियर हो गया है गाइस। ये मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं, आपको एक बार ही पढ़ के अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो शिक्षक है उसके बिना जो पढ़ाई की जो प्रक्रिया है शिक्षा की, वो पूरी नहीं हो सकती। शिक्षक का शिक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अगर शिक्षक नहीं होगा तो बच्चों को पढ़ाएगा कौन, ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है। इसलिए एक शिक्षक को अपने विषय का ज्ञाता होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए, क्योंकि बच्चे पे सबसे ज़्यादा जो प्रभाव डालता है वो शिक्षक का चरित्र डालता है। इसलिए एक शिक्षक को चरित्रवान होना चाहिए, अपने विषय का ज्ञाता होना चाहिए और प्रसन्नचित, धैर्यवान, ये सभी शिक्षक को होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा पहला अंग शिक्षा का, वो होता है शिक्षक। और ये सभी आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि शिक्षक के क्या क्या गुण होने चाहिए और शिक्षक कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है एक शिक्षा में। दूसरा हमारा अंग है शिक्षा का विद्यार्थी। विद्यार्थी शिक्षा की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण तथा आवश्यक अंग है। विद्यार्थी के अभाव में शिक्षक चाहे कितने भी भाषण देते रहें, क्रियाएं करते रहें, शिक्षा की प्रक्रिया नहीं चलेगी। आधुनिक युग में शिक्षा की प्रक्रिया बाल केंद्रित हो गई है। अब विद्यार्थी का प्रमुख स्थान है और शिक्षक का गौण। मनोविज्ञान के अनुसार एक शिक्षक के लिए बालक की योग्यता, अभिरुचियों, रुचियों, क्षमताओं आदि का ज्ञान होना चाहिए तथा प्रत्येक बालक को उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षा देनी चाहिए। ये जो हमारी शिक्षा का दूसरा अंग है विद्यार्थी, देखिए आप सब जानते हैं कि विद्यार्थी के अभाव में शिक्षा की प्रक्रिया नहीं चल सकती। जैसे इसमें साफ लिखा है कि शिक्षक चाहे कितने ही भाषण देते रहें, विद्यार्थी के बिना शिक्षा की प्रक्रिया नहीं चल सकती। इसलिए विद्यार्थी का होना ज़रूर आवश्यक है। और आज की जो शिक्षा है वो मनोवैज्ञानिक पे आधारित है, इसलिए आज की शिक्षा जो है उसमें बच्चों की रुचियों को ध्यान में रखते हुए, जिस सब्जेक्ट में उनकी रुचि होती है, जिस तरह का पढ़ाना उन्हें पसंद आता है, इसी के अकॉर्डिंग आज के टीचर्स बच्चों को एजुकेशन देते हैं। इसलिए आज की जो शिक्षा है वो बहुत ही ज़्यादा मनोविज्ञान पर आधारित है, इसलिए बच्चों की रुचियों को, अभिरुचियों को और क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए बच्चों को शिक्षा दी जाती है। तो ये भी विद्यार्थी भी शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है। आई होप आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हमारा थर्ड है पाठ्यक्रम। शिक्षा की प्रक्रिया का तीसरा अंग पाठ्यक्रम है। शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया भी है। पाठ्यक्रम का निर्धारण उद्देश्यों के आधार पर ही किया जाता है। पाठ्यक्रम सीखने को व्यवस्थित क्रम देता है। पाठ्यक्रम शिक्षक और विद्यार्थी के बीच एक कड़ी का कार्य करता है तथा दोनों की क्रियाओं एवं सीमाओं का निर्धारण करता है। पाठ्यक्रम देश, काल और परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। तो ये हो गया हमारा पाठ्यक्रम, क्योंकि जो पाठ्यक्रम होता है, अगर शिक्षक भी मौजूद है और विद्यार्थी मौजूद है और हमारे पास पाठ्यक्रम ही नहीं है तो हम बच्चों को पढ़ाएंगे क्या। इसलिए पाठ्यक्रम भी होना बहुत ज़रूरी है, जिसके अकॉर्डिंग हम बच्चों को एजुकेशन दें कि हमारे पाठ्यक्रम में क्या क्या है, बच्चों को हम क्या क्या शिक्षा दे सकते हैं। तो गाइज़, ये हो गया हमारे आज शिक्षा के अंग। आज की वीडियो में हमने देखा कि शिक्षा के कौन कौन से अंग होता है। हमारा पहला अंग है शिक्षक, दूसरा है विद्यार्थी और तीसरा है पाठ्यक्रम। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। गाइज, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।